सावनेर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मुरुम का अवैध खनन चल रहा है। इस मामले में राजस्व प्रशासन मुख्य दर्शन की भूमिका निभा रहा है। अवैध उत्खनन का एक बड़ा मामला सावनेर तहसील के गड़ेगांव में सामने आया। पिछले 15 दिनों में एक पोकलेन मशीन और दर्जनों टिप्पर ट्रक से करीब 9000 ब्रास मुरुम की चोरी का मामला उजागर हुआ है। इससे पहले भी इस जगह के पिछले छोर से भी बड़े पैमाने में मुरुम चोरी हुई है। ये जानकारी ऑन द स्पॉट मौजूद खनिक्रम विभाग नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकार शुल्क निरीक्षक नरेश बर्वे और विनोद अवझे ने दी है। सावनेर के तहसीलदार प्रताप वाघमारे, इन्होंने सावनेर तहसील के खापा मंडल अधिकारी KH कनोजे और गड़ेगांव के कोतवाल लीलाधर ठाकरे दोनों को घटनास्थल जाकर जांच करने को कहा था। ये दोनों भी खनिक्रम विभाग के लोगों के साथ मौजूद थे। इस विषय में संवाददाता ने सावनेर के तहसीलदार प्रताप वाघमारे से उनके फोन पर संपर्क किया। वाघमारे ने बताया कि वे छुट्टी पर थे, कल ही वे कार्यालय में ज्वाइन हुए। वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर दोषी लोगों पर कार्यवाही की जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। गौरतलब रहे कि परिसर के गड़ेगांव स्थित दूध वर्डी से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रक मुरुम लाद कर ले जा रहे हैं। खनन के लिए पोकलेन मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर मुरुम के अवैध खनन की ओर से ग्राम पंचायत का भी ध्यान नहीं जाना आश्चर्यजनक बात है। खापा से करीब 2 किलोमीटर की शिव पांधन का निर्माण 3 साल पहले किया गया था। बारिश के मौसम में स्थानीय किसानों को खेती में कृषि सामग्री लाने ले जाने में सुविधा हो सके, इसके लिए राज्य सरकार ने इस पांधन पर लाखों रुपए खर्च किए थे। सर, आपका नाम क्या है? माझा नाव नरेश बर्वे, जिल्हा खनिक्रम कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर मधून आहे। सोबत माझे रॉयल्टी इन्स्पेक्टर आहे श्री विनोद अवजे साहेब। आपण इथं कशासाठी आले? आम्हाला पेपरमध्ये न्यूज आली आज की या पण त्या एरियाचं वगैरे कसं काही नाव दिलेलं नव्हतं, खापा इथे फक्त लिहिलेलं होतं। त्या संदर्भात आमचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी साहेब आहे, त्यांनी आम्हाला अवगत केलं आणि म्हटलं की तुम्ही स्पॉटवर जाऊन चौकशी करून मोका पंचनामा। आपल्या चौकशीमध्ये काय दिसलं? चौकशीमध्ये तिथे भरपूर ॲक्च्युली पाहण्यात आलं की ही शासकीय जागा आहे पहाड खडक म्हणून, आणि त्यामध्ये जवळपास 9000 ब्रास माल, म्हणजे अंदाजे 9000 ब्रास माल काढल्याचे दिसून आलं। परंतु सध्या स्पॉटवर बघितलं तर कुठल्याही प्रकारचं यंत्रसामुग्री वगैरे काही आढळून आलेली नाही। KH कनोजे, मंडल अधिकारी खापा। आपल्याला याबद्दल माहिती होती का? नाही, आजच मला माहिती मिळाली। आपण याच भागातले? याच भागातले मी, मंडल अधिकारी। तर 15 दिवसापासून इथे हे काम सुरू आहे, आपल्याला याबद्दल माहिती नव्हती? याबद्दल माहिती काहीच नव्हती, आजच माहिती। नागरिकांचं इथलं म्हणणं असं आहे की येथील कोतवाला यांनी 7 दिवस अगोदर माहिती दिली होती, त्यांनी इथे येऊन पाहणी केली होती, तेव्हा काम सुरू होतं। तर आपल्या कोतवालांनी किंवा पटवारीने आपल्याला माहिती दिली नाही? नाही, अब्दुल त्यांनी मला काहीच माहिती दिली नाही। उपेंद्र कुपाडकर, ह्या इथे बैरंगराड या ठिकाणी 15 दिवसापासून मुरुमाचे उत्खनन सुरू होतं पोकलँड मशीनने। तर त्या मुरुम वाहतुकीसाठी 10 ते 12 दिवस सुरू असायचे आणि आमच्या रस्त्याचं पूर्णपणे नुकसान झालेलं आहे। तरी त्याचा धूळ वगैरे आणि रस्त्याला रस्ता खड्डे पडले आहे, तरी शासनाने याकडे लक्ष द्यावे आणि योग्य प्रकारे कारवाई करावी। आपण याबाबत कोणाला माहिती दिली होती का? आम्ही याबाबत तलाठी वगैरे आणि शासनाला, पटवारीला माहिती दिली होती? हो, पटवाऱ्यांना माहिती दिली होती मी। आणि त्यांचं काय मत होतं? त्यांच्यावर काही अशी कारवाई केली नाही, येऊन सुद्धा बघितलं नाही, कोणी येऊन बघितलं पण त्यांनी काही हे त्याच्यावर ऑब्जेक्शन वगैरे काही घेतलेलं नाही। आले होते का ते बघायला? बहुतेक आले होते ते। आणि त्याच्यानंतरही काम सुरू होतं का? सुरू होतं। ते आले होते तेव्हा काम सुरू होतं का? नंतर बोलू का? आमची रस्ता खराब झाली, ज्याच्या रस्त्यावरल्या नराच्या ज्याच्या पायल्या फुटल्या, ढोर चराल गेले तर मरण्याची भीती आहे तिथे। किती दिवसापासून चालू आहे? 15 दिवस झाले। 15 कोण करत आहे? कोण करत आहे रेती मुरुम चोरी? ट्रकवाले करून पोकल्यान होती, हे नेऊन राहिले, नाव माहित नाही मात्र आपल्याला। बरं, तुमचं नाव काय आहे? माझे नाव सीताराम बानू कुबाळकर। खड़ी कारण की आता पूरे पत्थर वत्थर ऊपर आ गए, अब बच दो क्या? और अब कास्तकार को इतनी तकलीफ, अब बारिश में इतनी तकलीफ है क्या? अब बंडी बैल क्या जा नहीं सकती ना आ नहीं सकती। कितने दिन से चालू है ये? अभी 8-15 दिन हो गए। क्या क्या मशीन कौन सी थी यहाँ पे? ये पोकलैन थी ट्रक, और ट्रक 10-12 ट्रक थे।
तो यहाँ पे जो पटवारी और कोतवाल है उनको पता नहीं था वो आए थे, क्या नाम है, निवारे पटवारी आए थे, वो देखा फोटो वोटो निकाले कब चले गए, कब देखे, वो 8 दिन के पहले की बात है। तो आपने शिकायत किए थे क्या? उसको बोल दिया मैंने कोतवाल को, पटवारी को, तो ये ऐसे ऐसे कर रहे बोला, तो वो कुछ बात नहीं की, कुछ नहीं, वो अपनी गाड़ी की मारे भग गए। तब चालू था क्या काम? तब चालू था ना, उनके सामने, उसके सामने चालू था। खापा के 15 से 20 किसानों के खेत इस शिव बांधन से सटे हुए हैं, लेकिन मुरुम के ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही से ये रास्ता बदहाल हो गया है। मार्केट में एक ब्रास मुरुम कम से कम 600 रुपये रॉयल्टी के हिसाब से मिलती है। 54 लाख रुपए की मुरुम सिर्फ 15 दिनों में चोरी हुई है। पूरी मुरुम टीले की जांच की जाए तो लगभग 1.5 करोड़ का राजस्व डूब गया है। सामने क्षेत्र रेती के अवैध खनन के लिए जिले में कुख्यात तहसील प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली से यह गोरख धंधा जोरों से फल फूल रहा है। रेती माफिया इतने दबंग हो गए हैं कि खुद राजस्व तहसील प्रशासन ही उनके निशाने पर आ गया है। ऑन द स्पॉट गड़ेगांव सावनेर से कैमरामैन आशीष राउत के साथ अरुण महाजन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।